ये वाले रोबोट्स का आर्मी मिला 40 ममालिक की टीम तुर्की में आमने सामने और पाकिस्तानी टीम भी मैदान में जिसने मुताबिक बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त देने के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। बेसिकली ये होता है कि टीमों को दो साल वेट करना पड़ता है वर्ल्ड कप खेलने से पहले, तो हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हम फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई कर लिया, पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड कप में। पाकिस्तानी टीम तश्कील पाई इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची और ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी के इश्तराक से, इसीलिए टीम को नाम दिया गया कराची कोलास का। टीम ने यह दुनिया को ऐलान भी दिया कि पाकिस्तानी सॉफ्टी किसी मैदान में भी पीछे नहीं। अलबत्ता रिसर्च फंडिंग का शिकवा था, रिसर्च की वो फंडिंग और वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही होती है जो रिक्वायर्ड है। इस तरह के इंटरनेशनल विजिट करने हो तो उसमें रोबोकप को अटेंड करने के लिए भी फंडिंग में हमें काफ़ी याद पैर मारने पड़े। पाकिस्तान ने फ्रांस को इस कॉम्पिटिशन का मकसद है कि आप रिसर्च में कितना आगे जाते हैं। शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर गैर मुल्की टीमें भी तारीफ किए बिना ना रह सकी। Karachi Koalas here, a team who are quite new indeed, and they've really not been around for very long, but they're doing exceptionally well. Oh, the Karachi Koalas, they are very, very cool, okay? And I think already they've exceeded everyone's expectation. Just to qualify in their first year is amazing, and getting into the second round is just awesome. RoboCup 2011 में Karachi Koalas का अपर दूसरी क्वार्टर फाइनल स्टेज पर खत्म हुआ, लेकिन पहली बार पाकिस्तानी टीम भी न सिर्फ RoboCup में शिरकत बल्कि प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज तक पहुंचना भी पाकिस्तान के लिए किसी एजाज से कम नहीं। सिद्ध आ रहे जियो